नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से मुजफ्फरपुर गूंज उठा है। दरअसल चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड में एक आरोपी शख्स ने बेटे को गोली मार दी है। आपको बताएं, जहां एक तरफ बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी आरोपियों को, बिहार के जितने भी अपराधी हैं उनके पीछे पुलिस को दौड़ाने की बात कर रहे हैं। अपने पहले मीटिंग में उन्होंने अपने पुलिस विभाग को ये कह दिया है कि बिहार में आरोपियों को दौड़ाना शुरू कर दीजिए, वरना आरोपी आपको दौड़ाएंगे, अपराधी आपको दौड़ाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आपराधिक घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। अपराधी जो है वो पुलिस से अंकुश से बाहर हो गए हैं। ऐसे में तो हालिया मामला है वो मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया है, जहां आपको बताया चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड में जो आरोपी शख्स है उसने ही एक बेटे को, जो राजा ठाकुर के पुत्र को गोली मारी। आज सुबह का मामला है, एक व्यक्ति जियालाल चौक के रहने वाले हैं रोहन कुमार, ये मोटरसाइकिल लगाकर यहाँ किसी से बात कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति दक्षिण की तरफ से आया है और उन पर गोली चला दिया है। उनके शरीर में 3-4 गोलियाँ लगी हैं, पैर में, जांघ में, बांह में, ऐसे करके गोली लगी है। तो यहाँ के स्थानीय लोग उनको उनके परिजनों के सहयोग से उठवा करके माजान के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भिजवाए हैं। अभी उनका इलाज वहीं पर चल रहा है। पहचान हुई है जो व्यक्ति हैं वो? तो जियालाल चौक के हैं, पहचाना होगा। सर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है क्या सर उसका? इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो हमको नहीं पता चला है, और छानबीन करने के बाद आगे पता चलेगा। सर ये राजा ठाकुर से रिलेटेड कोई मामला है क्या सर? देखिए, उस जियालाल चौक पर कुछ दिन पूर्व ही राजा ठाकुर का हत्या हुआ था, उसमें कुछ व्यक्तियों का नाम आया था, इनके परिजन का भी नाम है, जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पर नाम था उसमें। तो इन लोग का आपस में जियालाल चौक पर तो पहले से मामला एक चल रहा है, हो सकता है उससे संदर्भित हो, लेकिन विवाद चलते आ रहा है। देखिए ध्यान क्या है सर, इसमें जो है ये जो जिसको गोली लगा है वो राजा ठाकुर में आरोपी भी था क्या? गोली वाले ने इनके घर के लोगों का उनका नाम क्या कर रहे थे? अरे सर सर ध्यान आते हैं वीडियो पर आए हैं, जैसा पता चलता है आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में अपराध की घटनाएं थमने की नाम नहीं ले रही है। ऐसे में फिर एक बार पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अहले सुबह यानी आज सोमवार की सुबह एक युवक को गोली मार दिया गया। बताते चले कि बाइक पर सवार हथियार से लैस तीन बदमाशों ने युवक को गोली मारकर घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। घायल शख्स चर्चित राजा ठाकुर हत्याकांड के आरोपी दिनेश राय का पुत्र है, इतना ही नहीं जिसका नाम रोहन यादव उर्फ रावण है। बताते चले कि दो दिन पहले ही मुजफ्फरपुर के नए एसएसपी राकेश कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर क्राइम मीटिंग किया, जहां जिले के तमाम पुलिस आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया और कहा गया कि अपराध पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाए। लेकिन ऐसे में क्राइम मीटिंग के दो दिन बाद ही अपराधी बाइक पर सवार होकर आता है और एक युवक को गोली मार देता है। बता दें कि गोली लगने से युवक शहर के बैरिया स्थित निजी अस्पताल में इलाजरत है। बताते चले कि बीते कई महीनों पहले पुलिस के अनुसार कई आपराधिक मामलों में शामिल अहियापुर क्षेत्र के निवासी राजा ठाकुर का बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया था, जिस मामले में दिनेश राय को भी एफआईआर में नामजद आरोपी है आपको बताएं। लेकिन आज दिनेश राय के पुत्र को ही बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने गोली मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मौके पर जांच पड़ताल करने पुलिस पहुंचती है और स्थानीय अहियापुर थाना और नगर के डीएसपी घटना के स्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद घायल युवक को जिला लाल राय चौक अहियापुर का निवासी है जिसे आपको बताया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी अपने बिहार पुलिस को और अपने पुलिस अधिकारियों को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि बिहार में अपराध पर अंकुश लगाइए, बिहार में अपराधियों को दौड़ाइए, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अपराधी बिहार के पुलिस के हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं और आए दिन पुलिस को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। हालिया मामला हमने आपको मुजफ्फरपुर से बताया, जहां एक हथियार से लैस तीन बाइक सवार आते हैं और राजा ठाकुर एक चर्चित हत्याकांड है जिसके आरोपी के पुत्र को ही गोली मार देते हैं। अब उस पुत्र को आपको बताया इलाजरत है, जिसे निजी अस्पताल में जो है इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।